और अवनीत, इस ट्रेलर में आई मस्ट से आपकी जोड़ी को देखकर मजा आ गया, माशाल्लाह, नजर का टीका उतार दो। लेकिन आप सवालों के साथ शुरू करते हैं। नवाज भाई, आपके लिए, आपने जो अंग्रेजी बोली एंड में, वो देखकर मैं भी थोड़ी सी प्रेरित हो गई हूँ। तो मैं भी थोड़ी सी, आई वांट टू सी एन एक्टर विद सच अ पावरफुल रेपर्टुआर ऑफ फिल्म्स। सही बोलो, रेपर्टुआर ही बोलते हैं ना, ठीक है, रेपर्टुआर ऑफ फिल्म्स एंड पोर्ट्रेइंग इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रोल्स। जब ये फिल्म आप तक आई तो मुझे बताइए, व्हाट एक्साइटेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म? नवाज साहब, मैं इनको बताऊं कहानी? ये इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने मैं अच्छे से बता पाऊंगी। तो मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा यार ऐसे भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन, मतलब अगर अच्छा लगे तो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से। मैंने कहा अच्छा। सो एनीवे, मैंने उनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया। मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हो, मैं तो हैदराबाद में थे। कहते आ जाइए हैदराबाद, बेंगलोर में थे। तो मैं चली गई बेंगलोर। तो कहते अरे तुम तो आ गई। तो मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई। तो कहते अच्छा, तो फिर मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है। कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आई गई हो तो कर ही लेते हो फिल्म। क्या बात है। सो आई थिंक ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी। तो आई थिंक जो एक्टर होते हैं उनमें डेफिनेटली, जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें थोड़ी तो एक पागलपन तो होता है। तो इन्होंने देखा, मैंने सोचा था थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी इसके साथ पिक्चर तो करनी है डेफिनेटली। ये कहानी इनकी तरफ से तो बहुत बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। एक्चुअली क्या हुआ, जब फोन आया इनका तो मैं ना बैंगलोर में था और बैंगलोर में उल्टा पड़ा हुआ था मैं बिल्कुल, और कप लगे हुए थे मेरे कमर में, होता है जिसमें कुछ, हाँ हाँ, वो ट्रीटमेंट वीटमेंट चल रहा था कुछ। तो अचानक से फ़ोन आया, तो अब कोविड भी था उस टाइम पे बहुत, मैंने आप देख लो यहाँ पे तो मतलब बहुत रिस्की है, मैं आ जाऊँगी तो आ गई। अब आगे क्योंकि मालूम है कि उनका टेस्ट कैसा है, कैसे मिजाज की फिल्में करती हैं वो, क्या थॉट है उनका एज एन एक्टर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकली, स्टोरी थी ये जब सुनी तो डेफिनेटली मेरे पास कोई चारा ही नहीं था मना ना करने का, डेफिनेटली। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल जिस जुनून की आप बात कर रही थी।